तो फ्रेंड्स, यदि आप बिहार से हैं और बेरोजगार हैं तो इस वीडियो के ऊपर लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बिहार ग्रामीण विकास अप्लाई फॉर्म 2020 की बात करते हैं। 2020 अप्लाई फॉर्म यहाँ पे सहायक व लिपिक संवर्ग पद की बात मैं कर रहा हूँ। सचिवालय सहायक व आशुलिपिक का पद है, तो इसके बारे में नोटिफिकेशन आया है, तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जल्दी से फॉर्म भर लो, नहीं तो पछताओगे, क्योंकि पद बहुत अच्छा है। यहाँ पे सहायक लिपिक यानी क्लर्क जो कहा जाता है, वो सचिवालय सहायक और आशुलिपिक क्लर्क हो गया लिपिक। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया। तो फ्रेंड, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब तक को, और यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पे चैनल पर आने के बाद यहाँ पे जो लेटेस्ट वीडियो डाला है वो वीडियो देख लीजिए। बिहार के सभी अंचल में चाचा डाटा ऑपरेटर भर्ती होंगे, तो ये वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। और इसके बाद बिहार SSC का इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा वो देख लीजिएगा। और यहाँ पे परिवहन विभाग में बिहार के सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर जो नियुक्ति हो रही है, तो वो भी ये वीडियो देख लीजिएगा। 12वीं पास है, तो जो लोग ये वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिएगा। बिहार होमगार्ड के लिए जो यानी कि सब लेटेस्ट वीडियो सब है, करेंट वीडियो सब है, तो ये वीडियो सब आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे बिहार के सभी थाना में DEO कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती लेकर ये सब कुछ देख लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं न्यूज को लेकर कि क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा न्यूज। यहाँ पे ग्रामीण विकास कार्यों को बहाल होंगे कर्मी। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है इसको लेकर कि यहाँ पे राज्य में ग्रामीण विकास कार्यों को गतिशील बनाने यहाँ पे लिखा गया है कि बनाने नए कर्मी बहाल किए जाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग संविदा के आधार पर तमाम बहालियाँ करेगी, मुख्यतः सहायक। ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सहायक हुआ लिपिक संवर्ग में नियुक्ति होगी। और खास बात यह है कि इन बहाली में सेनावृत्ति अफसरों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो लोग भी सेनावृत्ति में सेना में जो थे उन लोगों को रिटायर हो गए, तो उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। और वैसे सभी लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसमें मान के चलिए कि एक हो गया एक पद है, और यहाँ पे एक जनरल भले भरे हैं यानी कि अदर स्टूडेंट, और एक सेनानिवृत्ति, तो इस स्थान पे सेनानिवृत्ति वाले स्टूडेंट को होगा। तो ये बात हुआ मतलब कि, लेकिन एक सीट इसमें एक नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताया हूँ। तो ये होता है प्राथमिकता, यहाँ पे कहा गया कि अफसरों की सेनावृत्ति अफसरों की प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पे आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सचिवालय सहायक आशुलिपिकों की बहाली होनी है, क्योंकि इन कार्यों के काफ़ी दक्षता और अनुभव की जरूरत होती है। इसके लिए काम कर चुके अफसरों का चयन में वरीयता दी जाएगी। संविदा पर इन लोगों को रखा जाएगा। अधिकतम 65 वर्ष की आयु वाले कर्मी को ही 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे आयु के कर्मी की ही यानी कि वर्ष अधिकतम जो आयु हो गया उसमें 65 वर्ष की आयु वाले कर्मी ही। यहाँ पे डेट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ध्यान देने वाली बात है कि 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ओर विभागीय कार्यों में संचालन व जांच के लिए सेनानिवृत्ति अफसरों को बहाल किया जाएगा। इन कार्यों के लिए अलग से पैनल भी बनेगा जो 3 साल तक का प्रभावी रहेगा। और यहाँ पे अनवर सचिव या समक्ष पद IAS बिहार प्रशासनिक सेवा सचिवालय सेवा में रिटायर्ड अफसरों को सचिवालय पदाधिकारी के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों को अनुरूप बहाली होगी। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जहाँ से आके इसको आप अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब तक को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।